कोई खालिस्तान ज हिंदुत्व की गल ना करे क्योंकि सानू तो भारत में भारत ही रहन दो क्योंकि असी नावां साडा कुछ नहीं रखिया साडा सिस्टम चेंज होना चाहिए। यह सिस्टम गंदा है, इस सिस्टम सोध वास्ते सानू इहदा राजनीतिक बदलाव चाहिए है। पर साडियां सरकारां ने जो 75 सालों तो याद होया कि याद होया सानू वांडिया कुटिया। मौजूद हाँ कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच ते इस वेले अपने नाल एक बापू जी मौजूद है जो सांची वार्ता की गल करते एक जुटता की गल करते है। पूरी गलबात तुहानू सुनावांगे, पहला फतेह बुला दिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडे चैनल के माध्यम राही मैं बलवंत सिंह खालसा जो साढ़े गुरु नानक दे साढ़े गुरुआ ने सारे मनुखता सुनेहा दिता से सर्व सांझी वार्ता का भी सी अमृत छका के सिंह सजा के सारे जाता धर्मों का वहम मिटा के समान अधिकार समान राज समान की गल बराबर की की सी और गरीब की मूँह गुरु घर की गोलक आँदी है कह तक तक भी कहता नहीं। पर साड़ियां सरकारां ने जो 75 सालों तो याद होया कि याद होया सानू वांडिया कुटिया। मैं कहूँगा जय भीम जय भारत। जे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सानू वोट का अधिकार ना दिता होंदा तो लोग साढ़े को वोट लैन भी ना आते। डॉक्टर अंबेडकर साहब के कहने पर भी ये लोग नहीं लग रहे। उन्होंने 10 साल वास्ते संविधान में लिखा सी कि 10 साल बाद सोध करो, पर साडे लीडर कहे ये उन्होंने जाता धर्म वंड के होर भी गल लम्मा की जाते हैं। तो मेरा तो भाई मैं तुम्हें चैनल राही दसना चाहना मेरी उम्र 70 साल की हो गई आ। सारे भारत च घूमया असी कौम समान अधिकार मोर्चा भी बनाया संयुक्त मोर्चा भी बनाया। इस वास्ते असी हुण पंजाब दे विच भी एक लोक भलाई मंच सांझा मंच बनाया है। तो अज जो कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या इंदे जो साडे कन्वीनर ने साथी बलविंदर सिंह जी रुपिंदर सिंह जी जिन्हां नूं कोई लोग कॉमरेडर नाल उपकार रहे ने नहीं एक चंगी सोच लैके तुरे सी और उन्होंने मैनू भी सद्दा दिता बाबा तू बाहर क्यों जाना है। मैं आख्या भी बाबे नानक का सुनेहा सारे भारत दे रहे हैं जे मनुख इस गल राजनीति मान जाएंगे तो चंगा है। मैं अपने जीवन के सुनेहा देता चलिया तो उन्होंने मैं सद्दा लाया बाबा जी साढ़े नाल चलो असी उन्होंने नाल बड़े लंबे समय तो चल रहे हैं जिन्हें जिते भी हो हाजिरी भरी आ। हूँ कौमी मोर्चा जो लग्या है 7 जनवरी का सत्त जनवरी का ही पो इन्ह के नाल ही हाँ अज एक महीने तो 18 उत्ते हो चले ने असी बस चढ़ती कला हो रही आ क्योंकि लोगों को पता लग चुका है कि सानू कट्ठे होना पैना है। जेडे लोग इतने आ रहे हैं उन्हों का मैं तह दिलों धन्यवादी हाँ और जोड़ा इस कोई रुकावट पाने की कोशिश करूँगा उन्होंने मैं कहूँगा साढ़े इन्होंने लीडर ध्यान रखना चाहिए कि कोई अपशब्द ना बोले कोई खालिस्तान ज हिंदुत्व की गल ना करे क्योंकि सानू तो भारत में भारत ही रहन दो क्योंकि असी नावां साडा कुछ नहीं रखिया साडा सिस्टम चेंज होना चाहिए है। यह सिस्टम गंदा है, इस सिस्टम सोध वास्ते सानू इहदा राजनीतिक बदलाव चाहिए है। सानू प्यार भरा सुनेहा सारे लोगों नाल लैके जुड़ना चाहिए है। किसान जथेबंदी जो साडे नाल आ रही ने उन्होंने अं जिया कहने और उन्होंने तो आस करते हैं कि होर लोग पिंड अपने मते पा के वारी नाल इस मोर्चे को होर वध चढ़ती कला च लैके जाण। यह मोर्चा पिछले मोर्चा वाला नहीं, इस मोर्चे की अगवाई तन तन श्री गुरु नानक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कर रहे हैं तो सब आम लोग भी कर रहे हैं तो साडे लीडर इस सुचेत हैं बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस कित भी एक दुक्का नहीं होने देंगे। मैं अपने जो वलंटियर भाईचारा है उन्होंने भी बेनती करूँगा इतने आवाज़ करना है असी कोई हिंदुत्व या होर गल नहीं करनी असी भारत को भारत बना के समान अधिकार समान देश तो बंदी सिंह सारे निकल जा किन्ने भी कैदी ने भावें किसी भी जात का है सारे छुड़ा है तो जात पात विदकरे बंद करके एक भारत को भारत रत्न पुराना गुरुआ पीर वाला बनाना है। ये मेरा सारी संगत बेनती है। बापू जी गलबात कर वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। तो बापू जी होर वालों गलबात की गई तो किया गया कि बिल्कुल सांझी वार्ता होनी चाहिए एकजुटता होनी चाहिए है भाव कोई भी अलग अलग ना हो सारे जड़े इस मोर्चे दे विच प्यार ते शांति जड़ी है बरकरार रखन। कौमी इंसाफ मोर्चे की पल पल की अपडेट देखने के लिए जुड़े रहो टीएफ न्यूज़ के साथ।